इंडिया को अमेरिका में नहीं दिया जा रहा है कोई सुविधा, ना तो अच्छा खाना मिल रहा है और ना ही प्रैक्टिस के लिए मिल रही है स्टेडियम। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अमेरिका में हो रही है परेशानी। भारतीय टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले अमेरिका में प्रैक्टिस कर रही है। टीम इंडिया 25 मई को ही अमेरिका पहुंच गई थी। टीम के साथ हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और विराट कोहली अमेरिका नहीं गए थे, लेकिन बाद में हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन पहुंचे थे। विराट कोहली 1 जून को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, 1 जून को भारतीय टीम को बांग्लादेश के साथ प्रैक्टिस मैच खेलना है। इसी बीच टीम इंडिया की ओर से चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। टीम इंडिया ने कहा कि अमेरिका में उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी सुविधा नहीं दी जा रही है और ना ही अच्छा खाना मिल पा रहा है। भारतीय टीम को लेकर ये खुलासा एक न्यूज रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम के खिलाड़ी अमेरिका में मिल रही सुविधाओं से खुश नहीं है। अमेरिका में भारतीय टीम को ना ही तो प्रैक्टिस करने के लिए बेहतर सुविधा मिल रही है और ना ही अच्छा खाना मिल रहा है। इससे भारत के खिलाड़ियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको बता दें, भारतीय टीम को यूएसए के काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस करना था, मगर स्टेडियम नहीं दी गई, उन्हें पार्क में प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। इस स्टेडियम में इंडिया और बांग्लादेश के बीच प्रैक्टिस मुकाबला होना था, लेकिन टीम इंडिया को स्टेडियम में प्रैक्टिस करने नहीं दिया गया। इसकी शिकायत टीम इंडिया ने आईसीसी से कर दी है। आपको बता दें, अमेरिका में पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टीम को उम्मीद थी कि अमेरिका जैसे देश में अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन अब टीम इंडिया ने खुद इसकी शिकायत आईसीसी से कर दी है। आपको बता दें, टीम इंडिया का पहला टी20 वर्ल्ड कप मैच 5 जून को आयरलैंड के साथ में है। इसके बाद दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है।